नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे जीजी इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। दोस्तों आज के दिन की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हो, पहले हमें इस शेयर में 1-2% के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी, लेकिन उसके बाद हमें इस शेयर में बाइंग होती हुई देखने को मिलती गई और ये शेयर हमें 2% के अपर सर्किट के आसपास क्लोज होता हुआ देखने को मिला है। दोस्तों इस शेयर से जुड़ी हुई कल ही एक न्यूज़ आई थी जिसमें साफ साफ बताया गया था कि ये छोटा सा शेयर, ये छोटी सी कंपनी हमें फंड रेज करती हुई देखने को मिल रही है, जिसके बाद हमें इस शेयर में लोअर सर्किट देखने को मिला था। लेकिन आज के दिन की बात करें, न्यूज़ हमें पॉजिटिव देखने को मिली, उसके बाद आज के दिन हमें इस शेयर में अच्छी खासी बाइंग होती हुई देखने को मिली। शेयर हमें 2% के आसपास क्लोज होता हुआ भी देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात निकल के सामने आती है। दोस्तों ये 103 करोड़ की कंपनी 99 करोड़ के आसपास का फंड रेज करने जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात निकल के सामने आती है। फंड रेज कर रही है यानी कि आने वाले समय में इनका बिजनेस एक्सपेंड होता हुआ देखने को मिल सकता है। कंपनी के ऊपर जो लोन है वो हमें कम होता हुआ देखने को मिल सकता है, यानी कि अगर कंपनी फंड रेज के जरिए जुड़े हुए पैसों का सही यूज करती है तो ये शेयर आपको आने वाले समय में 5 रुपीज भी जाता हुआ देखने को मिल सकता है। बस कंडीशन अभी ये है कि कंपनी किस हिसाब से अपने फंड रेज से जुड़े हुए पैसों का यूज करती हुई देखने को मिलती है। अगर कंपनी अपना बिजनेस एक्सपेंड करती है या फिर अपना लोन कम करती है, जो कि शेयर होल्डर के लिए और कंपनी के प्रोस्पेक्टिव से बहुत ही अच्छी न्यूज देखने को मिलेगी, जो कि आने वाले समय में आपको इस शेयर से एक अच्छा खासा रिटर्न भी दिला सकता है। तो मैं आपको यही बोलूंगा, अगर आपके पास जीजी इंजीनियरिंग का शेयर है तो इसे होल्ड करके चल सकते हैं, क्योंकि 103 करोड़ की कंपनी और 99 करोड़ का फंड रेज करने जा रही है, यानी कि कंपनी यहां से अपना बिजनेस दुगना कर सकती है, जो कि शेयर होल्डर के लिए बहुत अच्छी बात निकल के सामने आती है। और उसी के साथ अगर कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें, कंपनी किस हिसाब से काम करती हुई देखने को मिली पिछले कुछ टाइम से, तो इसके लिए लेके चलता हूं मैं आपको इसके फाइनेंशियल पे, जहां पे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कंपनी किस हिसाब से काम करती हुई देखने को मिल रही है। अगर फाइनेंशियल पे बात करें इनके रेवेन्यू की, तो कंपनी का रेवेन्यू 2023 में हमें काफी ज्यादा बढ़ता हुआ देखने को मिला, जो कि पिछले 3-4 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया कंपनी, जो कि एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। कंपनी के नेट प्रॉफिट की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इस साल एक जबरदस्त देखने को मिला। दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ईपीएस हमें ऊपर जाता हुआ देखने को मिला, जो कि एक अच्छी बात निकल के सामने आती है। और उसी के साथ कंपनी फंड रेज भी करती हुई देखने को मिली है, जो कि एक और अच्छी बात निकल के सामने आती है। तो जिस हिसाब से कंपनी काम करती हुई देखने को मिली है, जिस हिसाब से इसकी न्यूज देखने को मिल रही है, इस शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस शेयर से एक अच्छा खासा और सेफ रिटर्न ले पाएं। सो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। इस वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।